नागौर का सांसद अकेला भाई 24 तो भाजपा के सांसद है, एक मैं हूँ, और किसानों के लिए मैंने सत्ता भी छोड़ी। सड़क प्रदेश का एकमात्र सांसद बैठा था जो नागौर का सांसद था, और शाहजहांपुर बॉर्डर अभी भी जाम किया हुआ, सब राजस्थान तक थे। हम अहिंसात्मक तरीके से किसान आंदोलन चले, इसके पक्ष में हम लोग थे। और यहाँ के चुनाव के अंदर अगर आरएलपी जीतती है तो ये तय है कांग्रेस और बीजेपी को एक को तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। मेवाड़ के अंदर आरएलपी की मजबूती का मतलब है मारवाड़ शेखावाटी और बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग में वैसे ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है। और 18 में हमने पार्टी कपासन और आसीन के अंदर जब चुनाव लड़ी तो 30,000 कपासन में और आसीन में 45,000 से ज़्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए थे। 3 वर्ष शायद जो होंगे वो मेवाड़ की धरती पर होंगे, 28-29 तारीख को जो तीसरा वर्ष हमारा पार्टी का 29 तारीख हो रहा है, मेवाड़ की धरती पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाएगा। बल्लभ नगर को हम एक नई आज़ादी दिलाने के लिए आपके बीच आए, और जिस तरह किसानों का मन है, तमाम जातियों का मन है, उसे देख के लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर बहुत आगे निकल चुकी है। उसके सामने कांग्रेस सहित सारे दल बौने साबित हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चौथे स्थान पर संघर्ष कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी की घमन जब्त भी यहाँ पे हो जाए। दरियावद के अंदर हम खाली चुनाव इससे नहीं लड़ना चाहते, हम चुनाव लड़कर हमारी पार्टी का प्रचार करें। दरियावद के अंदर भी हमें उम्मीदवार मिल रहा था, लेकिन हमारा फोकस बल्लभ नगर था। हम यहाँ से एक संदेश देना चाहते थे दिल्ली तक कि अब हम बल्लभ नगर के अंदर मजबूत हैं, राजस्थान का मतदाता बदलाव चाहता है, ये गलतफहमी नहीं पालें कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मैंने कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को बयान देखे रोजाना, वो कहते हैं कि तीसरी पार्टी यहाँ आ नहीं सकती। ऐसे तो लोग जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब ये भी कहते थे हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, वाक नहीं हुआ आज़ाद, भगत सिंह जैसे सरी के लोगों ने कुर्बानी दी। उनको पूछा जब जेल के अंदर कि आपको क्या फ़ायदा है, कि मुझे फ़ायदा हो या नहीं हो, मैं मुझे वैसे ही मतलब मौत आदमी की होती है, लेकिन भारत माता गुलामी की हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के नौजवानों और किसानों को राजनीतिक रूप से आज़ादी दिलाने के लिए राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, और निश्चित रूप से आज की पार्टी एक बड़े बड़े दल के रूप में आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर उभरेगी। आज हमारे भील समाज का सम्मेलन भी यहाँ पर, मैं धन्यवाद दूंगा भील समाज के भाइयों का, बड़ी तादाद के अंदर पहाड़ी इलाके से अपने अपने साधनों सब लोग आए, और 27 तारीख को बड़ा रैला बल्लभ नगर के अंदर चार गदिया के अंदर बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 25,000 से लेकर 30,000-35,000 से ज़्यादा किसान जवान भाग लेंगे। हम कोई दूसरी पार्टियों की तरह नरेगा या बाहर के लोगों को लाके भीड़ नहीं करते, हमें आशीर्वाद देने के लिए इस इलाके के लोग ही ज़्यादा आते हैं बल्लभ नगर के, और यह आपने बल्लभ नगर की सभा के अंदर देखा होगा। हम जीत की ओर अग्रसर हैं, 30 तारीख तक मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं, और नौजवानों ने मन बना लिया मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई के अंदर वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देंगे। डांगी जी के साथ टिकट कटने से जो अन्याय हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 60-70% टीम वो भी डांगी जी के साथ है, और तमाम ओबीसी SC ST और तमाम समाजों के लोग, ब्राह्मण समाज का भी बड़ा समर्थन डांगी जी को मिल रहा है। इसे हमें लगता है कि बहुत बड़ी जीत की ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सिर्फ मेवाड़ के अंदर एक नई एंट्री होगी, और उदयलाल डांगी के रूप में एक नई राजनीति का उदय भी मेवाड़ की धरती से। आप पूछो ना सवाल। जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आए, वो कह रहे हैं कि जीत का, उन्होंने कह रहे हैं कि इस बार जीत है हमारी, वो दावा कर अरुण सिंह जी तो खुद कभी वार्ड पंच भी नहीं बना, कभी जीत कैसे प्रभारी बना, किसी को बिठा दूर से क्या होता है। मेरी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं भी राष्ट्र में कहीं ले जाकर देश में किसी को प्रभारी बना दूँ, एक अलग बात है। लेकिन अरुण सिंह जी को पूछोगे कभी सरपंच वार्ड पंच का चुनाव जीते हो क्या आप, सिर्फ राजनाथ सिंह के साडू है इस वजह से राजस्थान के साथ भेज दिया, सिर्फ खूब घूमते हैं यूपी बिहार में भेजते हैं, यहाँ कौन पूछता अरुण सिंह को। यहाँ आप कह रहे हैं कि जनता बीजेपी की जमानत जनता की चौथे नंबर पर होगी, चक्कर किससे है हमारी चक्कर किस, हम तो एक नंबर पे हैं, चक्कर पे तो सेकंड और थर्ड वाले रहेंगे, सेकंड थर्ड कौन देता है,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत निश्चित है। हर व्यक्ति आरएल यहाँ बदलाव चाहता है और इस बार मजबूत किसान पुत्र को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना चाहता है, जो बल्लभ नगर के लिए, मेवाड़ के लिए लड़ाई लड़े, विधानसभा के अंदर जाके नींद नहीं ले, ऐसा विधायक चाहता है। अरे कुछ तो और पूछो यार, इतने चैनलों से आयो, आप नहीं पूछते हैं मुझे गरीब सवाल। वो तो हमने बता दिया कि जब आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था तो आरएलपी का गठन कोई सत्ता प्राप्ति नहीं था, हुकार रैलियों के माध्यम से किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, जो 1,00,000 करोड़ का कर्ज है लघु सीमांत सीमांत किसानों की केसीसी कार्ड समेत 1,00,000 करोड़ का कर्जा माफ करें, और ये हम ऐसे ही नहीं कर हवा के अंदर, लोग कहते साहब कर्जा सारा कर दो तो हम रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे। 3,00,000 करोड़ रुपए धरना सेट होंगे दिल्ली में, पिछले 15 साल में कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने माफ की। कर्ज मुक्त किसान 30,000 करोड़ रुपए दारू से सरकार कमाती, शराब से 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। 3 साल का रेवेन्यू गुजरात के अंदर शराब बंद है, फिर भी गुजरात चल रहा है, नहीं चल रहा चल रहा है ना गुजरात, कई स्टेट के अंदर दारू बंद है, फिर भी रेवेन्यू का दूसरे साधन है। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, फ्री बिजली की बात हम इसलिए करेंगे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। आप विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और हमारी जितनी भी बिजली उत्पादन की जो संयंत्र लगे हैं, हम आने वाले 3-4 साल में 1 नंबर पर चले जाएंगे बिजली उत्पादन। फ्री बिजली किसान को मिले और आधी दर पे गरीब लोग भुगतान बिजली मिले। तीसरा हमारा ये है कि टोल मुक्त राजस्थान, पेट्रोल डीजल 125 चला गया, 100 पार चला गया, रोड टैक्स देते हैं हम जो गाड़ी खरीदते हैं, वो इस बात का भाई अच्छी रोड पर आपकी गाड़ी चलेगी, तो फिर टोल टैक्स इस बात का, टोल माफ की पहले भी बात करी, पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे लेकिन गहलोत ने वापस चालू कर दिए। टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और 4 लाख जो खाली पद है भरे, एक साथ भरो ना, संविदा कर्मियों को एक बार नियमित करो, रोज संविदा पर ले रहे हो, और एक जितनी भी आपके पेपर आउट हो रहे हैं, जितनी भी भर्तियां हो सारी सारी फर्जीवाड़े के अंदर चली जाती, एक भी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी, क्योंकि कोई लड़ नहीं रहा। विपक्ष सबसे बड़े विधायक बीजेपी के पास है, बीजेपी के नेताओं को खाली बयान, ऐसी कमरों से बयान देना और फोटो छपवाना, और 13-14 दूल्हे तैयार हो गए, भाई हम मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, चाहे विधानसभा जीतो ही मत मांगे, आते तो वहीं आ जाएंगे एमएलए को चुनाव करने। अभी कई लोग बने हो तो कैसे बने, कैसे नहीं बने, आप तो छानबीन करो सारी, कहाँ आता जोड़ी करके कैसे विधानसभा का। आप एक और एक हमारा मुद्दा है कि बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। ये भ्रष्टाचार के अंदर जिनको पकड़ ले, तो आप इस बात को गंभीरता से सुनो, आपके भी काम आएगी। भ्रष्टाचार में अगर कोई कलेक्टर एसपी एसडीएम डीवाईएसपी पकड़ा गया और वो जेल में रह गया, तो फिर उसको फिर पॉलिटिक्स किस बात की दे रहे हो, वो तो भ्रष्ट है, या तो कोर्ट में बरी हो जाए तब उसको लगाओ, जब तक कलंक है उसके माथे पर उसको फिर पॉलिटिक्स किस बात की दे रहे हो, क्यों रोज बाल करो, दूसरा आदमी ले ना भर्ती करो ना। तो सरकार जानबूझ के भ्रष्टाचार बना रही है। अब हार्ड कोर अपराधियों को बताओ, मुझे हार्ड कोर अपराधी रोज जेलों से मोबाइल से अपना काम कर रहे, सबसे ज्यादा जेलों राजस्थान में, कौन जिम्मेदार इसके लिए, सारे नेता जिम्मेदार है, या तो नेता जेलों में भी गए वो थे, अधिकारी जेलों के अंदर गए, अब राजस्थान को अपनी कहते। अभी एक पुलिस अधिकारी से मेरी बात चल रही थी, वो जब जोधपुर का एनकाउंटर, मुझे कह रहे थे कि यूपी में तो रोज एनकाउंटर होते हैं, तो मैंने कहा यूपी थोड़ी बनने देंगे राजस्थान, हम राजस्थान को राजस्थान ही रखेंगे, रोज एनकाउंटर होते हैं तो नेता भी वैसे ही होंगे, या नेता अलग तरीके के हैं, और यहाँ नेता राजस्थान की जो व्यवस्था सारी संस्कृति है उसको बचा के और लेके चलेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि स्थानीय बाड़मेर के तेल के कुओं से भिवाड़ी तक और मेवाड़ में जितनी भी सीमेंट कंपनियां आपकी जो भी उद्योग है, या स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बने विधानसभा में और लोकसभा के अंदर। इसके लिए हम अगली जल्दी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद बड़ी रैली का ऐलान करेंगे, और अगली रैली जोधपुर सीएम के छाती पर वहाँ करेंगे, और संख्या 5 से 10 लाख होगी। राजस्थान में बदलाव चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी गरीब आदमी जब थाने तहसील में जाए तो उसका मान और सम्मान हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, मजबूत लोकायुक्त बने। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट अगर आप देखोगे ना पिछले सालों की, 12 FIR मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लिखा है कि इसमें मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, ये विधानसभा के अंदर मामला बना गया था, इसमें गहलोत वसुंधरा खिलाफ FIR की भी चर्चा करी है, लेकिन दर्ज कौन करेगा, पुलिस तो इनकी है, इसलिए लोकायुक्त को ताकत मिले, जुडिशरी के पावर लोकायुक्त को, खुद ही अपना संज्ञान लेकर ट्रायल चालू कर दे, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर दिए, इसको लेकर आगे लड़ाई लड़ेगी। आप बताएं मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ में आप रैली करेंगे, वो कल परसों कल रैली करने आ रहे हैं वापस फिर से चुनाव प्रचार में,
वो तो डरे हुए हैं ना, डर गए ना मुख्यमंत्री, नहीं तो मुख्यमंत्री एक बार रैली करता है बार बार यही घूमने लग गए, डर तो गई ना कांग्रेस और भाजपा, इसलिए तो घड़ी घड़ी घूम रहे हैं नेता दर्जनों, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री आ, तो कोई आप जो बता रहे हो वो आ रहे हैं मुख्यमंत्री बात, मतलब डर लग रहा है इनको। ये खौफ है कि अगर बल्लभ नगर में तीसरी पार्टी आरएलपी जीतती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक को तो थर्ड वैसे ही जाना, मैं आपको बता दूं एक तो थर्ड जाएगी हमारी मेवाड़ में आरएलपी की एंट्री का मतलब है पूरा फेक हो जाएगा राजस्थान, मारवाड़ सेकावाटी और जयपुर से लेके इलाके पंचायत चुनाव के अंदर जहां भी उम्मीदवार होता है, मैं ये नहीं कह रहा प्रधान प्रमुख सारे हमारे बन गए, लेकिन वोट देखो आप कम संख्या में उतारे फिर भी वोट परसेंटेज कितना जबरदस्त राज्य लोकतांत्रिक पार्टी को मिला, और पंचायत चुनाव पहली पार्टी थी पंचायत चुनाव मिल रहा है, पालिका चुनाव मिल रहा है, एक व्यक्ति है प्रयास कर रहा है, तीन विधायक है चौथे ग्रुप में, आप उम्मीद करें डांगी जी को जीता गया की जनता भेजेगी, तीन के अगर चार हो गए ना तो फिर चार के 105 दस होंगे, ये तो तय है, यहाँ से नई ऊर्जा राजस्थान के जवान किसानों को मिलेगी, देश की नजरें बल्लभ नगर की सीट पे है, चुनाव तो दरियाबंद के अंदर भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे ज्यादा, कह रहे बल्लभ नगर में क्या होगा, मतलब बल्लभ नगर से ही एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट होगा, एक नए परिवर्तन का आगाज बल्लभ नगर की धरती से होगा। एक नया सियासी संदेश आप व्यवहार की तरफ से दे रहे 2023 का, वो तो मैं ऐसा है मैं तो मैंने आपको कहा ना राज्य लोकतांत्रिक पार्टी का जो गठन किया था वो राजस्थान के किसान जवानों ने सबके लिए कानून का राज के लिए किया, फिर हमें पार्टी भी बनानी पड़ी, उस समय हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए, अगर वो उस समय भी साथ रहता तो 30 से 40 सीट उस समय भी आ जाती और हमारे बिना सरकार नहीं बनती, हमने कहा था गहलोत को नहीं आने देंगे वसुंधरा को नहीं आने देंगे, वसुंधरा चली गई और गहलोत को भी वेंटिलेटर पर लाए, ननियाड़ में आई थी सीट एक ब्रेक नहीं आई बाद में एक, और पहली बार 30 साल बाद सबसे ज्यादा विधायक निर्दलीय और दूसरे दलों को मिलाकर, तो बहुत वर्षों बाद तो वो शुरुआत थी, अब एक व्यक्ति संघर्ष करता है शुरू करता है करते 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 ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की हर कौम हर जवान हर किसान, लोग हमारे पर जातिवाद का आरोप लगाते होंगे लेकिन मेरी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, प्रधानों में से 2 शेड्यूल कास्ट के प्रधान हैं, चेयरमैन ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, एक ही चेयरमैन है राजस्थान का, तमाम टिकटें भी जब सत्तावन पार्टी थी तो तमाम जातियों को मौका दिया था और ऊंचा जगह 48 जगह हेलीकॉप्टर से उनके सभाएं भी करती उन सब लोगों के, वोट भी 10 लाख के करीब मिला था, और बीजेपी की जो 25 सीट आई थी उसमें आरएलपी पार्टी का ही योगदान था, आरएलपी के बिना बीजेपी 12-13 में सिमट जाती राजस्थान, महंगाई केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और राजस्थान सरकार सिर्फ केंद्र के पालन गेंद डालती है, कुछ भी तो कुछ नहीं करिए, राजस्थान सरकार कौन से टैक्स कम करेगी ये बताओ, राजस्थान सरकार भी तो टैक्स घटा सकती है हर चीज का, खुद तो करते जैसे पेट्रोल डीजल है, आज हरियाणा एक मिनट सुना भाई साहब, डीजल हरियाणा दिल्ली और पंजाब के अंदर 11 रुपये 10 रुपये सस्ता है, अपन ज्यादा दे रहे हैं पैसा, वो पैसा किसके पास जा रहा है, राजस्थान सरकार पास जा रहा है, राजस्थान सरकार कौन सा भला करेगी, कर दे 10 रुपये सस्ता डीजल, एक बार मैसेज दे जनता को नहीं दे रहे, उनके कोरोना में उससे मौत हो गई, वो कर गहलोत से हो गई वीडियो कॉल, और राजस्थान में क्या नारे लग रहे हैं बताओ कि मुख्यमंत्री रजाई से बाहर आओ रजाई से बाहर आओ, रजाई और कैसे हो गया सीएम, उसकी सरकार बचाना में इस तरह लगे कि बस उनको किसी की चिंता नहीं, गहलोत धृतराष्ट्र हो गए, अपने बेटे को MLA MP बनाना चाहते हैं, मैं राजनीति में कर दूं सेट, पता नहीं मेरा क्या हो क्या नहीं, इसमें गहलोत लगे हैं, और वसुंधरा किसी न किसी तरह वापिस अपनी दुकान जो बंद पड़ी उसकी उसको चालू करना चाहते हैं, ये है राजस्थान की राजनीति का कांग्रेस और भाजपा का परिदृश्य, बीजेपी सड़कों में संघर्ष नहीं कर पा रही है, कोई हल्ला मोड़ नहीं, 20 से ज्यादा बीजेपी के लोग इकट्ठा नहीं हो, असली विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ भी निभा रही है, और दिल्ली में भी महंगाई की जो बात है लोकसभा में एनडीए में रहते हुए महंगाई कम करें हर चीज के लिए, नागौर के सांसद ने किसान महंगाई की हमें मुद्दा उठाया।